दोस्तों रामायण में कुंभकर्ण के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वही कुंभकर्ण जो 6 महीने तक सो सकता था। दरअसल कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से 6 महीने लंबी नींद का वरदान मांगा था। इस वरदान को ब्रह्मा जी ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया था और उसी दिन से कुंभकर्ण 6 महीने की नींद में चला गया था। ये कहानी तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ जिसने 6 महीने क्या लगातार 14 साल तक सो के गुजारा था। जी हाँ, ये चौंका देने वाली बात थी लेकिन सत्य है। चलिए आपको बताते हैं इस दिलचस्प किस्से के बारे में। 14 साल तक लगातार निद्रा में रहने वाला कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। इसलिए अक्सर लोग इस घटना को लेके एक लोकोक्ति मानकर आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आते हैं सीधे किस्से पर। दरअसल भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता के साथ लक्ष्मण जी भी गए, लेकिन जब लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे तो उनकी नवविवाहित पत्नी उर्मिला ने उनसे पूछा कि स्वामी आपके वनवास के दौरान मेरा समय कैसे व्यतीत होगा, और निराश होकर बैठ गईं। इस बात का मलाल हमेशा से लक्ष्मण जी को था और वे चाहते हुए भी उर्मिला को कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद जब वनवास के दौरान एक दिन जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे, तभी रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दें। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा। जैसे ही यह बात लक्ष्मण ने सुनी, उनके मन में उर्मिला का ख्याल आया कि उनके वनवास के दौरान उर्मिला उनकी राह देख देख कर थक गई होंगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपनी निद्रा उर्मिला को दे दूं। और फिर जब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए, तो निद्रा देवी ने वैसा ही किया। कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी और लक्ष्मण जी आश्चर्यजनक रूप से 14 साल बिना सोए भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इसके बाद वनवास खत्म करने के बाद जब लक्ष्मण अयोध्या लौटे तब उर्मिला नींद से जगने के बाद उन्हें देखकर डर गए और पहचान भी नहीं पाईं। इसे देख लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और सब कुछ उर्मिला को विस्तार से बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं जनता शो, मेरा नाम है विवेक शर्मा। इस तरह की तमाम वीडियो और खबरों के लिए रुख करें जनता शो वेबसाइट का। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता शो पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता शो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।